हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं कुकीज़, जो कि घर पे बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत ही क्रिस्पी होती हैं। कुकीज़ बनाने के लिए हमें चाहिए मेल्टेड बटर 1/2 कप, पाउडर शुगर 1 कप, मैदा 2 कप्स, बेकिंग पाउडर 1.5 स्पून, सोडा 1.5 स्पून, मिल्क 5 to 6 टेबल स्पून, कोको पाउडर 2 स्पून्स एंड रेड फूड कलर एंड चोको चिप्स। चोको चिप्स बनाने के लिए आप मेरी वीडियो सजेस्टेड बॉक्स में आ रही है, वो देख सकते हैं। पहले बटर में हम शुगर मिलाएंगे और इसे बीटर से अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक ये थोड़ा सा फ्लफी ना हो जाए तब तक इसे बीट करते रहेंगे। देखिए शुगर फ्लफी हो गई है। अब मैं मैदे में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये बटर मिला रही हूँ और इसे मैं अच्छे से हाथों से गूंद लूंगी। साथ में एक एक स्पून करके मैं इसमें मिल्क ऐड करती रहूंगी। कुकीज बनाते हुए आप बस ध्यान रखिए कि ये जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो और इसको आप बहुत ज्यादा पंचिंग ना करें, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे गूंथना है। और मैं अपनी कुकीज़ जो है थोड़ी कलरफुल और अलग अलग शेप्स में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक बोल में मैं चोको चिप्स एंड कोको पाउडर मिला दूंगी और इसको हाथों से अच्छे से मिला लूंगी। दूसरे कप में मैं रेनबो स्प्रिंकल्स डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। ये कलरफुल मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है देखने में और टेस्ट तो अच्छा आता ही है। अपने थर्ड बॉल में मैं बहुत हल्का सा फूड कलर डालूंगी, सिर्फ 2 से 3 बूंदे। इसे अच्छे से मिला लूंगी। और इसमें अब मैं व्हाइट चोको चिप्स मिला दूंगी। अब मैं एक स्पून की हेल्प से इसकी छोटे छोटे से कुकीज़ बनानी स्टार्ट करूँगी, इसको शेप देना स्टार्ट करूँगी। और मैं स्पून की हेल्प इसलिए ले रही हूँ ताकि सब कुकीज़ का साइज़ जो है सेम रहे। अपनी कुकीज़ अलग अलग शेप में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसे एक ही शेप में बना सकते हैं और एक ही कलर में भी बना सकते हैं। जब तक मैं ये कर रही हूँ साथ में मैं अपना ओवन जो है प्री हीट होने के लिए रख दूंगी कन्वेक्शन मोड पे,
180 डिग्री सेल्सियस पे 4-5 मिनट्स। अब मैं ऊपर से भी थोड़े से चोको चिप्स लगा रही हूँ। देखिए मेरी कुकीज बनकर रेडी हो गई हैं। अब मैं माइक्रोवेव ट्रे पर बटर को ग्रीस कर लूँगी और कुकीज को इसमें लगा दूँगी। देखिए अब 2 कप मैदा से कितनी सारी कुकीज बना सकते हैं। अब मैं इस ट्रे को माइक्रोवेव में रख दूंगी कन्वेक्शन मोड पे फॉर 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट्स। देखिए कुकीज बनकर रेडी हैं, जिसे मैं अब रैक पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए फॉर 10-15 मिनट्स। देखिए लग रही है ना बहुत ब्यूटीफुल। और ये जितनी ब्यूटीफुल दिख रही है, ये खाने में भी उतनी टेस्टी है और बहुत क्रिस्पी भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।